हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो को समस्त युक्त दुई द्वितीय वर्ष कला छात्र छात्री जो मान राजनीति विज्ञान अच्छी से मानक स्वागत। आज हूँ सेसन 2021-22 पंचम क्लास। यही पंचम क्लास रे आमे पढ़ुले कौन प्रथम अध्याय रो। आज हूँ पंचम क्लास। यही पंचम क्लास रे आमे पढ़िबा गणतंत्र सफल रूपायन निमित्त आवश्यक उपादान गुड़िक गणतंत्र सफलता पाई सहायक उपादान गुड़िक विषय आम आलोचना करिबा। ताले देखिबा आउ समय नष्ट नक आज क्लास को आरंभ करिबा। आज पढ़िबा गणतंत्र सफलता पाई सहायक उपादान उपक्रम देखिबा। गणतंत्र एक जनप्रिय शासन व्यवस्था भावरे समग्र विश्व प्रसिद्धि लाभ करिछि। गणतंत्र शब्दटीर इंग्राजी डेमोक्रेसी दुईटी ग्रीक शब्द डिमोस और क्रासियारु उत्पत्ति लाभ करिछि, जहार अर्थ होछि यथाक्रमे गण और क्षमता। सुतरां गणतंत्र एक सरकार जेउंतिरे प्रत्येक व्यक्तिर अंश थाए। जदियो गणतंत्र एक जनप्रिय शासन व्यवस्था भावरे समग्र विश्व रे जनादृत लाभ करिछि, तथापि केतेक कारण जोगु गणतंत्र तार वास्तव लक्ष्य हासिल करि पारि नाही। यार सफलता पथरे अनेक प्रतिबंधक अंतराय सृष्टि करिछि। तेणु गणतंत्र सफल कार्यकारिता पाई निम्नलिखित केतेक शर्त पूरण हेबा निहाती जरूरी। सेगुडी कहला करे शिक्षार प्रसार। शिक्षार प्रसार गणतंत्र सफलता पाई शिक्षा होची सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता। गणतंत्र सफलता पाई शिक्षा होची सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता। शिक्षा द्वारा नागरिक मानंकर राजनैतिक सचेतनता वृद्धि पाई थाए। शिक्षा द्वारा कौन हुए? शिक्षा द्वारा नागरिक मानंकर राजनैतिक सचेतनता वृद्धि पाई थाए। गणतंत्र को सफल पथरे आगे नापाई शिक्षा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। ताले हम जानिले गणतंत्र सफलता पाई शिक्षा होची सर्वश्रेष्ठ आवश्यकता। शिक्षा ही मनुष्य मनरु समस्त संकीर्ण चिंताधारा को विलोप करिबा सहित गणतांत्रिक मनोभाव सृष्टि करिथाय। शिक्षा ताले कौन करे? मनुष्य मनरु समस्त संकीर्ण चिंताधारा को विलोप करने सहित गणतांत्रिक मनोभाव सृष्टि करी थाए। शिक्षा द्वारा ही नागरिक माने सेमानंकर अधिकार और कर्तव्य संबंध में सचेतन होती। शिक्षा द्वारा मध्य नागरिक मानंकर राजनैतिक सचेतनता वृद्धि पाई थाए। गणतंत्र को सफल पथरे आगे नेबापाई शिक्षा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करी थाए। खरे देखिबा सतत जागृति बा सर्वदा जागृति। सतत जागृति देखिबा जाग्रत जनमत असचेतन नागरिक बिना गणतंत्र सफल हो पारिबनि। जाग्रत जनमत असचेतन नागरिक बिना गणतंत्र सफल हो पारिबनि। शासन रे दुर्नीति और भ्रष्टाचार को प्रतिरोध करिया पई जनमत ही अपरिहार्य। जो गणतांत्रिक राष्ट्र रे जनमत जेते जाग्रत लोकंकर मत जेते लोक माने जेते जाग्रत जनमत जेते जाग्रत सेठारे गणतंत्र सेते मात्रा रे सफल। तेणु कुहा जाइछि सतत जागृति ही गणतंत्र सफलतार मापकाठी। ताले आमे कौन जानिले? जाग्रत जनमत और सचेतन नागरिक बिना गणतंत्र सफल हो पारिबो नाही। गणतंत्र रे नागरिक माने राजनैतिक व्यापार और सरकारी कार्य सक्रिय संप्रक्त न हेले गणतंत्र सफल हेबो नाही। शासन रे दुर्नीति और भ्रष्टाचार को प्रतिरोध करिया पाई जनमत ही अपरिहार्य। जो गणतांत्रिक राष्ट्र रे जनमत जेते जाग्रत सेठारे गणतंत्र सेते मात्रा रे सफल। तेणु कहा जाइछि सतत जागृति ही गणतंत्र सफलतार मापकाठी। ताले आमे दुईटी देखिले शिक्षार प्रसार आउ सतत जागृति
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର। ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଉଦାର ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଉଦାର ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ବିଚାର ନ୍ୟାୟଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗରିକମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଉଦାର ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଓ ବିଚାର ନ୍ୟାୟଚିତ ହେବା ଉଚିତ। ଘ ନମ୍ବରରେ ଦେଖିବା ସମାନତା। ସମାନତା କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଓ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଓ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦରକାର ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ ସମାନତା ବା ମୌଳିକ ସମାନତା କ'ଣ ହେଉଛି? କେବଳ ସାର୍ବଜନୀନ ସାବାଳକ ଭୋଟ ପ୍ରଥା ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ନୀତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦରକାର ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ସହିତ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମାନତା। ଏଥିପାଇଁ ସମାଜରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଁରେ ଦେଖିବା କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନକରି ତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ ସରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଧିକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଚରେ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ମୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ ଆଦିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ପତ୍ରପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ ଆଦିକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୁହାଯାଏ। ଜନସଚେତନତା ଓ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ଛରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ହେଉଛି କ'ଣ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ତାହେଲେ କ'ଣ ରହୁଛି? ନ୍ୟାୟପାଳିକା କ'ଣ କରେ? ନ୍ୟାୟପାଳିକା ତା'ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଜରେ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ସୁସଂଗଠିତ
राजनैतिक दल दृढ़ विरोधी दल देखा गणतंत्र सफलता राजनैतिक दल हूँ एक अपरिहार्य शर्त। ओके, गणतंत्र सफलता राजनैतिक दल मैंने आंचलिक असंकीर्ण स्वार्थर ऊर्धर रही जातीयतावादी चिंताधारा सामिल होगा उचित। विरोधी दल सरकार को गठनमूलक समालोचना करने उचित, गठनमूलक समालोचना करने सहित जातीय स्वार्थ और समाज उन्नति सरकार को सहयोग करा उचित। देखिले आम ये कौन देखिले गणतंत्र सफलता राजनैतिक दल हूँ एक अपरिहार्य शर्त। परोक्ष वा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र रे सरकार को दलय सरकार कह जाए। गणतंत्र सफलता राजनैतिक दल मैंने आंचलिक असंकीर्ण स्वार्थर ऊर्धर रही जातीयतावादी चिंताधारा सामिल होगा उचित। ओके, से मैंने गणतांत्रिक पद्धति संगठित होगा सहित नागरिक मानक मनरे राजनैतिक सचेतनता व्रती होगा आवश्यक। से मैंने नागरिक मानक मनरे राजनैतिक सचेतनता सृष्टि करा उचित। विरोधी दल सरकार को गठनमूलक समालोचना करने सहित जातीय स्वार्थ और समाज उन्नति सरकार को सहयोग करवा आवश्यक। द्विदलीय व्यवस्था अधिक फलप्रद एथिपाई। ओके, झ नंबर रे देखिबा मौलिक अधिकार नागरिक मानकर व्यक्तित्वर विकाश पई अधिकार एक मौलिक शर्त। नागरिक मानकर व्यक्तित्वर विकाश पई अधिकार एक मौलिक शर्त। गणतांत्रिक राष्ट्र रे गणतंत्रर सफलता पई नागरिक मानकु मौलिक अधिकार प्रदान करिबा सहित तार सुरक्षा व्यवस्था करिबा आवश्यक। गणतांत्रिक राष्ट्र रे गणतंत्रर सफलता पई नागरिक मानकु मौलिक अधिकार प्रदान करिबा सहित तार सुरक्षा व्यवस्था करिबा आवश्यक। नियरे देखिबा बलिष्ठ नेतृत्व, बलिष्ठ नेतृत्व देखा गणतंत्र को सफल करिया पई बलिष्ठ नेतृत्वर यथेष्ट आवश्यकता रही। एठारे नेता माने नागरिक मानकर पथ प्रदर्शक होइतिबारु नेता माने नागरिक मानकर पथ प्रदर्शक होइतिबारु सेमाने सचेत दुर्नीतिमुक्त कर्तव्यनिष्ठ देशप्रेमी और त्यागी हेबा आवश्यक। सेमाने निजर व्यक्तित्व बलरे जनसाधारण को प्रभावित करिबा आवश्यक। तब देखा टरे उन्नत जातीय चरित्र गणतंत्र सफलता पई व्यक्तिर उन्नत जातीय चरित्र रहिबा उचित। गणतंत्र रे प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थपरता संकीर्ण चिंताधारा ऊर्धर रही निजकु राष्ट्र और समाज उन्नति पई नियोजित करिबा आवश्यक। तार कौन देखिले गणतंत्र प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थपरता संकीर्ण चिंताधारा ऊर्धर रही निजकु राष्ट्र और समाज उन्नति पई नियोजित करिबा उचित। थरे देखिबा उन्नत परंपरा गणतंत्र केवल संविधान आईन निर्वाचन भली अनुष्ठान द्वारा सफल होइनै। गणतंत्र केवल संविधान आईन निर्वाचन भली अनुष्ठान द्वारा सफल होइनै। गणतंत्र सफलता पई दरकार उन्नत सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक परंपरा। कौन दरकार? दरकार उन्नत सामाजिक राजनैतिक और सांस्कृतिक परंपरा। शेष देखा ड नंबर देखा सामाजिक और अर्थनैतिक सुरक्षा, सामाजिक और अर्थनैतिक सुरक्षा, सामाजिक और अर्थनैतिक सुरक्षा गणतंत्र सफलता निमित्त एक आवश्यक शर्त। सामाजिक और अर्थनैतिक सुरक्षा गणतंत्र सफलता निमित्त एक आवश्यक शर्त। राष्ट्रे सामाजिक न्याय और अर्थनैतिक न्याय, राष्ट्रे सामाजिक न्याय और अर्थनैतिक न्याय प्रतिष्ठा हो पारे, सामाजिक न्याय और अर्थनैतिक न्याय प्रतिष्ठा हो पारे नागरिक मानक सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में नागरिक मानक सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कर सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान कर। ओके, आज वीडियो को यही रखा परवर्ती पीरियड रे आमे किछि एमसीक्यू प्रश्न आलोचना करिबा। आजिरो वीडियो टी केमती लागिला कमेंट्स माध्यमरे जणाइबे, जदि भलो लागिला लाइक टी करिबे आ संग साथी सहित शेयर करिबे। आउ एई परी वीडियो जदि देखिबाकु पसंद लागुछि ताले
এই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবে ও বেল আইকন ক্লিক করবে তাহলে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার পাখকে সবুঠার আগে পৌঁছিব। ধন্যবাদ। যেটি বি থাকতো ভালরে থাকতো সুখরে থাকতো। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।